सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल में एक न्यू डिज़ाइन आई फ्लोर मेट लेकर आए हैं। आप इसे डोर मेट बना लीजिए, फ्लोर मेट बना लीजिए, कोई टेबल कवर बना लीजिएगा। आप इसे कुछ भी बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई का यूज़ किया हुआ है, और इसमें मैंने 51 फंदे डाले हुए हैं। अगर आप साड़ी या चुन्नी से बना रहे हैं तो उसके लिए फंदे काफ़ी हो जाएंगे और काफ़ी बड़ा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 51 फंदे डाले हैं, और मैंने अपनी वूल को इस तरीके से दोहर किया हुआ है, क्योंकि मेरी वूल थोड़ी सी पतली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको दोहर कर लिया। तो ये हमारी पहली सिलाई है। देखिएगा, यहाँ से हम अपने फंदे बनाना शुरू करेंगे। वही पूरी सिलाई हम इसी तरीके से उल्टी उल्टी बनाएंगे। लास्ट में दो फंदे हम छोड़ देंगे। तो इसको हम बना लेते हैं ऐसे ही। अब देखिएगा, यहाँ से हमने दो फंदे छोड़ देने, दो फंदे हमने छोड़ दिए। डबल बूल है इसलिए 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 ही फंदे छोड़े हुए हैं, ताकि कोई यहीं से टर्न करेंगे और इसकी रॉन्ग साइड बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड बनाने से पहले पहले हम क्या करेंगे, इस एक फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे ताकि इसमें गैप दिखाई ना दे। और दो फंदे हम इस साइड भी छोड़ेंगे, ऐसे उल्टा बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करते हुए जाएंगे पूरी सिलाई। देखिएगा, दो फंदे हमने इधर से भी छोड़ दिए ताकि कोई यहीं से टर्न करेंगे और फिर से हम बनाएंगे, यानी कि हमें 4 सिलाइयाँ बनानी है एक कलर से। तो दो दो फंदे हमारे दोनों साइड छूट चुके हैं। अब देखिए, रॉन्ग साइड की सिलाई बना रहे हैं हम, तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे और दो फंदे लास्ट में छोड़ देंगे, यानी कि 4 सिलाइयाँ बनाएंगे हम यहाँ से। तो हमारे दोनों साइड से दो दो फंदे छूट जाएंगे, यानी कि 4 फंदे छूट जाएंगे। देखिएगा, दोनों साइड से हमारे यहाँ पे देखिए दो दो फंदे छूट चुके हैं, यानी कि 4 फंदे छूट चुके हैं। अब रॉन्ग साइड से हम इसमें सेकंड कलर अपना जो ब्लैक कलर है उसको अटैच करेंगे। यहाँ से हमने ब्लैक कलर अटैच कर लेना है। कलर हमें इसमें रॉन्ग साइड से ही अटैच करना है। तो देखिएगा, इसको भी मैंने दोहर लिया हुआ है ऐसे, इसको साथ में ले लेंगे और इसे भी हम पूरी सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे करते इससे भी दो दो फंदे हम छोड़ते जाएंगे। ब्लैक कलर की एक सिलाई बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दो फंदे इसके भी इस तरीके से हम उतार लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और पूरी रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। और दो फंदे हम इधर इधर की साइड से भी छोड़ेंगे, यहाँ से भी हमने दो फंदे छोड़ देने हैं। ऐसे ही करते हुए हर दो सिलाई के बाद हमें दो दो फंदे छोड़ने हैं। देखिएगा, हर सिलाई पे हमने एक सिलाई बनाई, फिर दो फंदे छोड़े, दूसरी बनाई, फिर दो फंदे छोड़े। इसी तरीके से हमें हर एक सिलाई पे दो दो फंदे दोनों साइड छोड़ने हैं। अब देखिए कि यहाँ पे दो दो करके हमने सारे फंदे यहाँ से छोड़ दिए, और बीच में अब हमारे पास में ये 2, 4, 5 फंदे बचे हुए हैं। अब इनको हमने कैसे बनाना है देखिएगा। ये 5 फंदे हैं बीच के, तो ये 5ों फंदों को हम बना लेंगे। 4 और 1 5 5 फंदे हमने बना लिए। अब देखिएगा, इसकी भी हमें 2 लाइनें बनाकर कंप्लीट करनी है, जैसे कि हमने और किसी की बनाई है। तो एक फंदा ही हम यहाँ पे छोड़ेंगे अब की बार में। तो एक फंदा हमने यहाँ पे उतार लिया, और ये देखिएगा, एक फंदा हमने यहाँ से छोड़ दिया, 3 फंदे हमारे पास में बीच में बचे हैं। फिर से यहीं से धागा पलटेंगे हम अपनी सिलाई को। अब देखिएगा, यहाँ से ये वाला छोटा हुआ फंदा हम इस बार ले लेंगे, धागे को यहीं से टर्न करेंगे, फिर से ये बीच की आई का शेप आ चुका है,
और इधर का भी छूटा हुआ फंदा हम ले लेंगे, यानी कि दो सिलाइयाँ हमारी इससे बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए इस तरीके से दो सिलाइयाँ इससे हमारी बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। अब रॉन्ग साइड से देखिएगा, येलो कलर हमने बना लिया है, अब हमें ब्लैक कलर बनाना है। तो एक और ये दो, दो फंदे हमने ब्लैक कलर के अपनी इस वाली सिलाई पर उतारे हैं और इसको इस तरीके से ये पूरे हमें बनाते हुए जाना है। पहले हमने दो दो करके छोड़े हुए थे और अब हमको दो दो करके ये सारे फंदे लेने हैं, तो इनको भी हम बना लेंगे। ये देखिएगा, ताकि को यहीं से टर्न करेंगे और राइट साइड में इतने ही फंदे बनाएंगे। देखिएगा अब हमें यहाँ पे येलो कलर के फंदे लेंगे इस तरीके से। इस वाली अपनी सिलाई पे हम येलो कलर के फंदे लेंगे। अगर ज़्यादा गैप है तो एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे बीच में से इस तरीके से, और इन फंदों को अपनी सिलाई पे लेते हुए ऐसे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने फंदा उठाया था, तो ये दो फंदे हैं, दो फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है। तो ये गैप भी भर जाएगा, ये फंदा भी बढ़ा हुआ हमने कम कर देंगे, और बाकी फंदे जैसे हैं उनको हम वैसे ही बनाएंगे। देखिएगा इस तरीके से, जैसे कि हमने दो दो करके फंदे छोड़े हुए थे उसी तरीके से हमें यहाँ पे अपने फंदे दो दो करके दोनों साइड से लेने हैं। अब इधर देखिएगा, इधर भी गैप काफ़ी बढ़ चुका है, तो यहाँ से भी हम एक फंदा, आप कहीं से भी एक फंदा ऐसे उठा लीजिएगा और ये दो फंदों का एक फंदा करते हुए ये गैप को हम भर लेंगे। देखिए एक फंदा बना लिया, एक और बना लेंगे, यहीं से धागे को टर्न करेंगे और राइट साइड बनाएंगे। ऐसे करते हुए दोनों साइड से हमें फंदे लेने हैं। देखिए इस तरीके से एक आई बन के कम्प्लीट हो चुकी है ये। अब आगे क्या करना है, हमने यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे 51 फंदे डाले हुए हैं, यहाँ पे मेरा कलर ख़त्म हो गया इसलिए मैंने ये वाला कलर अटैच किया हुआ। आप एक ही कलर से पूरा बनाइएगा, बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ पे 51 फंदे डाले हुए हैं, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, 25 फंदे ब्लैक कलर से बना लेंगे। कि 25 फंदे हमें ब्लैक कलर से यहाँ पे बना लेने हैं। बाकी फंदे नीचे की साइड में छोड़ देंगे हम। देखिएगा 25 फंदे हमने इधर बना लिए ब्लैक कलर से और 26 फंदे हमारे इधर रह गए, यानी कि हाफ हाफ मैंने फंदे कर लिए दोनों साइड। जैसे कि हमने 51 फंदे डाले हुए थे तो मैंने आधे आधे फंदे कर लिए। आप जितने भी फंदे डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आधे आधे फंदे कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा हमने एक एक फंदा पीछे से छोड़ना शुरू करना है। जैसे कि हम इसकी भी दो दो लाइनें बनाएंगे तो इसमें दो दो फंदे छोड़ेंगे, तो एक फंदा हमने इस तरीके से यहाँ पे उतार लिया है और ये पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे। लास्ट तक हमें ऐसे ही बनानी है। फिर से देखिएगा पहला फंदा हमने यहाँ पे स्लिप किया और ये यानी कि दो दो हमें इसके रो बनाकर कंप्लीट करनी है, चार चार सिलाई जैसे कि हमने नीचे आई में बनाई हुई थी। इसी तरीके से यहाँ पे जो कली बना रहे हैं उसमें भी हमने यहाँ पे इसी दो दो सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट करनी है, दो दो रो बनानी है यानी कि चार सिलाइयाँ। और अगली बार से फिर हम एक फंदा छोड़ देंगे, यानी कि ये दो जो चार सिलाइयाँ बनेंगी उसमें हम एक एक फंदा छोड़ेंगे। देखिए किस तरीके से, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा एक फंदा पहले छोड़ा हुआ था हमने और अब की बार में ये दूसरी जो हमारी ब्लैक कलर की सिलाई बन रही है, देखिएगा इस साइड से उसमें हमने एक फंदा और ऐसे उतार लेना और ये अपनी पूरी सिलाई बनाते हुए जाना। और दूसरी सिलाई में हम यहाँ पे येलो कलर बनाएंगे, उसमें भी ऐसे ही दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा छोड़ेंगे और ये कली बनाएंगे।
देखिएगा दो दो करके मैंने ये सारे फंदे नीचे के साथ छोड़ दिए, तो ये हाफ करी बन चुकी है ऊपर की 25 फंदे की। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने फंदे छोड़े हुए हैं वैसे हम फंदे लेते जाएंगे। यहाँ मैंने 5 फंदों को ही इस तरीके से बनाया ताकि ऊपर की ये थोड़ी बोटी की टाइप की आ जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा जैसे कि हमने एक एक करके फंदे छोड़े हुए थे वैसे हम इनको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये फंदा हमने बना लिया, नीचे धागे को टर्न किया और ये इतना पीस फिर से बनाएंगे। फिर से पहला फंदा हमने स्लिप किया और ये देखिए यहाँ से गैप ज़्यादा हो रहा है, तो बीच में से हम कोई भी एक फंदा उठा के इस फंदे के साथ में लेते हुए हम इसको घटा देंगे। ये देखिए नीचे धागा फिर से टर्न करेंगे, ऐसे करते हुए हम फंदे लेते जाएंगे जैसे कि हमने छोड़े हुए थे। अब देखिएगा ये वाली कली हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। पहले हमने दो दो फंदे करके छोड़े होते हैं फिर हमने यहाँ पे ले लिए, तो ऐसे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे ऐसी कली हमें यहाँ पर भी बनाकर कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है देखिएगा। ये वाला कलर हमें इधर की साइड लेके भी जाना है। एक फंदा हमने यहाँ से बनाना नहीं है, ये निकाल लिया है इस तरीके से और बाकी फंदे हमने बना लेने हैं। और फिर से एक एक फंदा दोनों साइड से छोड़ते हुए इस साइड से इस फंदे को कुछ नहीं करना। ये हमारे बीच का फंदा हो गया, सेंटर का फंदा हमने 51 फंदे डाले हुए थे, तो 25 फंदे इधर 25 फंदे इधर, बीच में ये सेंटर का फंदा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक छोड़ी होती है इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक एक फंदे छोड़ते हुए ये कली को बनाएंगे। तो देखिएगा इस तरह की यहाँ पर दोनों तरफ हमने ये कलियाँ बना ली हैं। अब फिर से हम यहाँ पर इस तरीके आई के डिज़ाइन यहाँ पर डालेंगे। एक हमने यहाँ पे एक आई बनाई, एक आई उधर बनाएंगे, तो और दोनों साइड से हमने एक कलियाँ बनाएंगे। तो बिल्कुल जैसे कि हमने ए वाली आई बनाना शुरू करी थी बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ से इसको भी बनाना शुरू करना है। देखिए फ्रेंड्स आई फ्लोर मेट बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, देखने में भी अच्छी लग रही है, बनाने में तो बिल्कुल ईजी है ही है। सो फ्रेंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और देखिएगा अगर आप इसमें कोई बम वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बीच में कोई भी बम सेट कर देंगे इस तरीके से, तो और भी अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक लिए बाय बाय।